नमस्कार साथियों, मैं हूं सोनू कुंतल और आप देख रहे हैं व्यूज़ इंडिया। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले इस देश के वीर जवानों के नाम कुछ पंक्तियां जो आप लिखते हैं, आप पढ़ते हैं, फिर हमें भेजते हैं, फिर हम उनको आपको सुनाते हैं। लेकिन इस बार जब हमने पिछली वीडियो डाली थी, आज़ादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि अगर आप ऐसी कुछ कविताएँ लिखते हैं, पढ़ने के शौकीन हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो हमें भेज दीजिए, हम आपकी उन कविताओं को प्रसारित करेंगे। तो ऐसे ही एक दर्शक हमारे साथ हैं, हरीश चौधरी। वो भगत सिंह पर, चंद्रशेखर आज़ाद पर और तमाम उन शख्सों पर जिनका हमारे ऊपर कर्ज है, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, जिस हम आज़ाद हवा को, आज़ाद पानी को, आज़ाद भूमि को प्रयोग कर रहे हैं, उसके पीछे उनका खून है, उनका बलिदान है। तो उनके लिए कविताएं लिखते हैं हरीश चौधरी। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के लिए खास तैयारी की है और आपके सामने अपनी वो कविता पेश करना चाहते हैं। जी हरीश चौधरी जी, पहले तो मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम उन वीरों को कैसे भूलते जा रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए प्राण न्यौछावर किए। हम इस बार अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, वो आप सबके बीच रखना चाहूँगा। कि नादानी की उम्र बीती है समय के संग, नए दौर में नई रवानी मांगता हूँ मैं। कि नादानी की उम्र बीती है समय के संग, नए दौर में नई रवानी मांगता हूँ मैं। कि भगत अस्पाक बिस्मिल की तरह देश प्रेम वाली वो कहानी मांगता हूँ मैं। पथ पर रुकूं नहीं, खुददारी में झुकूं नहीं, महाराणा प्रताप वाली वो जिंदगानी मांगता हूँ मैं। वो देश पर लौटा दूं जान हंसकर, शेखर के जैसी वो जवानी मांगता हूँ। शेखर के जैसी जवानी मांगता हूँ मैं। शेखर मतलब चंद्रशेखर आज़ाद। ये कहानी का पहला शीर्षक था कि नादानी की उम्र बीती है समय के संग, नए दौर की नई रवानी मांगता हूँ मैं। पथ पर रुकूं नहीं, खुददारी में झुकूं नहीं, महाराणा प्रताप वाली वो जिंदगानी मांगता हूँ मैं। आखिरी में है कि मैं खुद को मिटा दूं देश के लिए हंसकर, शेखर जैसी जवानी मांगता हूँ मैं। तो कौन है चंद्रशेखर आज़ाद, इसके लिए भी हरीश भाई ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं, आगे पढ़ के खुद सुनाएंगे। कौन थे चंद्रशेखर आज़ाद? 27 फरवरी 1931 को जिसे अल्फ्रेड पार्क में अपने प्राण नौछावर करने पड़े। कि गोली एक ही बची है अब तमंचे में यार, कायरता की धार में अब ना बहूंगा मैं। कि होना है आजाद तो दे देनी पड़ेगी जान, भारत की एक एक पीढ़ी से कहूंगा मैं। कि दुश्मनों ने घेर रखा अब चारों ओर से ही, कि दुश्मनों ने घेर रखा अब चारों ओर से ही, अब ना जुल्म को सहूंगा मैं। अपनी ही कनपट्टी पर तान पिस्तौल बोला था, आजाद हूं आजाद ही रहूंगा मैं। आजादी तान पिस्तौल अपनी कनपटी पे कहा, आजाद था और आजाद ही रहूंगा मैं। चंद्रशेखर आजाद वो शख्स जो संपूर्ण अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत लगाई, अपनी सियासत लगाई, अपनी हर वो चीज लगा दी ताकि चंद्रशेखर आजाद को पकड़ सकें, लेकिन अंग्रेज चले गए, जीते जी कभी चंद्रशेखर आजाद उनकी गिरफ्त में नहीं आए। इसीलिए पंडित जी के नाम के पीछे आजाद लगाया जाता है, क्योंकि वो कभी उनके हाथ नहीं आए। जब अंत में अल्फ्रेड पार्क में उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची थी, तो उस गोली को उन्होंने अपने नाम कर लिया ताकि वो आज़ाद रहें। इसके बाद कहानी बढ़ती है भगत सिंह की तरफ। भगत सिंह के बारे में हरीश भाई ने क्या कुछ लिखा है, वो भी तुमको पढ़ के सुनाएंगे। आज़ादी के दूसरे स्तंभ जो भगत सिंह के नाम से जाना जाता है, भगत सिंह के बारे में मैंने कुछ विशेष पंक्तियाँ लिखी हैं जिन्हें मैं आपके बीच रखना चाहूँगा। कि बड़ी मुरादों से भारत ने ऐसा बेटा पाया था, कि बड़ी मुरादों से भारत ने ऐसा बेटा पाया था, आज़ादी का ख्वाब जिसकी नज़र में आया था। कि आज़ादी का ख्वाब जिसकी नज़र में आया था, चौड़ी छाती आंख में चोली क्या बंदा परवाना था, जिसकी इस मस्तदा का सारा देश हुआ दीवाना था। हुआ हुक्म जब फांसी का तो भगत सिंह यूं मुस्काया, बोला माफ गले लगा लो मुद्दत में मौका पाया। बोला माफ गले लगा लो मुद्दत में मौका पाया, तख्ते ऊपर जब कदमों की आहट आती थी तो दीवारें भी झूम झूम के वंदे मातरम गाती थी। झूम के फांसी का फंदा जब बंदा वंदे मातरम बोला था, कांप उठी थी वसुंधरा अंग्रेजी शासन डोला था। आखिर बोला यही वसीयत है रखवाले करता हूँ, माँ की लाज बचा लेना अब तुम्हारे हवाले करता हूँ। कितना दर्द सहा होगा आजादी के मतवालों ने, कितना दर्द सहा होगा आजादी के मतवालों ने, जिनको आजादी की खातिर त्याग दिया घर वालों ने। कभी बर्फ की सिल्ली पर उल्टा लेटाया जाता था, कभी धड़कते अंगारों पर उन्हें जलाया जाता था। कभी निहत्ते हाथों से नाखून उखाड़े जाते थे,
कभी निहत्ते हाथों से नाखून उखाड़े जाते थे, ऐसे में निर्ममता से कोड़े बरसाए जाते थे। जब ना दर्द सा आ जाता तो वंदे मातरम गाते थे, जब ना दर्द सा आ जाता तो वंदे मातरम गाते थे कि माना उनको भी मौत का अंदेशा हो जाता था, कि माना उनको भी मौत का अंदेशा हो जाता था, फिर भी मरते मरते लब पर वंदे मातरम आता था। हंसना ना ये दर्द शहीदों वाले, मैं तुम्हें सुनाता हूँ देशभक्ति गीत ही लिखता हूँ व देश प्रेम के गीत ही गाता हूँ। जय हिंद जय भारत। इस पूरी कविता में जो सबसे मार्मिक लाइन है वो ये है कि कभी बर्फ की सिल्ली पर उल्टा लिटाया जाता था, कभी धधकते अंगारों पर उन्हें जलाया जाता था, कभी निहत्ते हाथों से नाखून उखाड़े जाते थे, कभी चीड़ फाड़ करके नमक नींबू निचोड़े जाते थे। ये थे भगत सिंह, जिन्होंने सबसे लंबी भूख हड़ताल जेल में की, किस लिए? ताकि उनके अधिकारों को वंचित ना रखा जा सके, और इस देश के खातिर अपनी जान नुछावर कर दी। एक किस्सा कहा जाता है कि जब भगत सिंह की फांसी की माफ़ी के लिए उन्होंने पिताजी ने अर्जी लगाई तो भगत सिंह इस बात से नाराज़ हुए और कहा कि आपने मेरी फांसी की अर्जी को जो माफ़ करने के लिए याचिका लगाई है, आपको आपने ऐसा करके इसमें मेरी बेइज्जती की है, क्योंकि इससे मैं शायद बच भी जाऊं, लेकिन उस विचार का क्या होगा जिस विचार को मैं पैदा करना चाहता हूं, जिस विचार से लाखों करोड़ों भगत सिंह पैदा हो सकते हैं, उस विचार का क्या होगा। लेकिन हमारे लिए दुख की बात यह है कि भगत सिंह जिसलिए शहीद हुए, भारत माता से जितनी उम्मीदें थी, क्या हिंदुस्तान आज उस ओर बढ़ रहा है? आज हम भ्रष्टाचार की ओर, जातिवाद की ओर, सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रहे हैं। भगत सिंह के वो सपने जो उन्होंने आज़ादी के उस वक्त देखे थे जब गांधी का दौर था, भगत सिंह का दौर था, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद का दौर था, सुभाष चंद्र बोस का दौर था, तो जिस स्वर्णिम हिंदुस्तान के सपने वो लोग देख रहे थे, उस स्वर्णिम हिंदुस्तान, वो तो अपना विजन देकर चले गए, अपनी जान देकर चले गए, अपना बलिदान देकर चले गए, उस सपने को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? आपकी है, हमारी है। तो हम उस जिम्मेदारी में अपना कितना हाथ बटाते हैं, इसका जायजा भी कोई और नहीं लेगा, वही आप लेंगे। अपने ग्रेवान में अंदर झांकिए, अपने जहन को पूछिए कि हमने कितनी बार भगत सिंह के उन आदर्शों पर चलने का प्रयास किया ताकि हम हिंदुस्तान के उस स्वर्णिम भविष्य को, जिसको भगत सिंह देखा करते थे और हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानी देखा करते थे, उसको हम पूरा कर रहे हैं। तो आपसे एक विनती है 15 अगस्त के इस मौके पर, जितना हो सके जातिवाद और सांप्रदायिकता से दूर हटें, देश की सेवा में अपना योगदान करते रहें, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, हमारे साथ बने रहें। और आप भी कोई कविता लिखने के शौकीन हैं, कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो ज़रूर हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा मेल आईडी मिल जाएगा, हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। हरीश चौधरी भी हमको इसी तरह से मिले, हमारे पास आए। अगर आप हमारे पास आ सकते हैं तो आपको वीडियो में सामने आने का मौका मिलेगा, अगर नहीं आ सकते हैं, आप कहीं दूर से हैं, तो हमें लिख भेजिए, आपकी वीडियो को हम शूट करेंगे। तब तक की कोई नई वीडियो आए, बने रहें हमारे साथ। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।